जमुना सुनो। जी पापा। अच्छा अब मैं अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी अगर मैं तुम्हें दे दूं तो? कारोबार? ये आप क्या कह रहे हैं पापा, मुझे तो कारोबार की समझ ही नहीं है। मैं वो सब कैसे संभालूंगी? मैं तो साधारण सी ढोली हूँ पापा, गांव की ढोली, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। जमुना तुम क्या हो ये तुम्हें खुद भी नहीं पता। मैंने बचपन से ही एक मंत्र सुना है, या देव सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देव सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। पहले मैं इस मंत्र का मतलब नहीं समझता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे इस मंत्र का मतलब समझ में आ गया। पापा, उन औरतों में कहीं तानिया नहीं आती ना? तान्या नाम इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा। पापा, आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं इस प्रतियोगिता में जीत गई तो आप मुझे बताएंगे कि तान्या कौन है। सब्र करो, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर अभी नहीं बता सकता। जमुना, छाया से कहो पूजा के बर्तन धोकर रख दे, और तुम जरा नीचे आओ, तुम्हारे ससुर जी का नाश्ता तैयार है, दे दो उन्हें। जी आ रही हूँ माँ। पापा, माँ बुला रही हैं, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें सब बताऊंगा जमुना, कि मैं किस तरह की तकलीफ से गुजर रहा हूं, पर सही वक्त आने पर। उफ़ो, फ्रिज का कितना बुरा हाल हो गया है, किसी को साफ करने की फुर्सत ही नहीं। कितनी बार संगीत से कहा है कि फ्रिज बदलने की जरूरत है, पर यहाँ दही जमा कर रखा था, कहाँ गया? छाया, ए छाया। छाया दी तो बिजी है। एक्चुअली मैं मेरे पति को कॉफी देने के लिए गई थी। ओह, तो रसोई की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी ही है ना? ठीक है, अच्छा है। अच्छा, फ्रिज में खट्टा दही था, कहाँ गया जानती हो? ओह, वो तो आज सुबह ही मैंने नाश्ते में खा लिया। एक्चुअली वो मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए। ओके, तुम्हें पसंद है खट्टा दही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बड़े ससुर को तो हर सुबह नाश्ते में खट्टा दही चाहिए होता है, तुम्हें पता नहीं? अरे तो क्या हुआ, एक दिन बहू ने खा लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? ज्यादा जबान मत चलाओ। कोई बड़ी बात नहीं है, घर की बहू खा सकती है, लेकिन अगर तुम्हें खाना था तो मुझे बता देती, मैं जमुना को ज्यादा दही जमाने को कह देती। ये सब मुझसे नहीं होगा, समझ गई? और प्लीज मेरे साथ ऐसे घर के नौकरों की तरह मत बिहेव कीजिए। तो तुम हम सब लोगों के साथ नौकरों जैसे बर्ताव करोगी? पूछ लेना जरूरी नहीं लगता? इस रसोई की जिम्मेदारी मेरी और जमुना की है। रसोई में क्या कहाँ रखा है ये मैं और जमुना ही जानते हैं। ठीक है, ठीक है, अब से मैं भी सीखूंगी। अगर सीखने की इच्छा होती तो तुम कल रात को ही बता देती कि तुम्हें सुबह दही खाना है, तो तुम्हारे लिए भी जमा देते। सुबह उठकर बिना पूछे दही नहीं खा लेती। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपको उस दही के पैसे दे दूंगी, ठीक है? आर्या, जस्ट शट अप। हर बात में सिर्फ पैसे और पैसा। तुम बहुत ही बेशरम और बदतमीज किस्म की लड़की हो। जानती हो किसके सामने खड़ी हो? भूलना मत आर्या कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि किससे किस तरह बात करनी चाहिए। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसे आर्या! तमीज से बात करो, इनके साथ जरा तमीज से बात करो, तुम समझ गई ना? तुम, ये इस घर की लक्ष्मी है, मेरी सास है। मैंने इनसे, इन्हीं से सीखा है गृहस्थी कैसे संभाली जाती है। अगर तुम भी इनकी तरह घर गृहस्थी को संभाल सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, संभालो सब कुछ, पर अगर नाकाम हो गई तो फिर क्या? तो फिर क्या, निकाल दोगी यहाँ से? कैसे निकालोगी, ये सिर्फ तुम्हारा घर थोड़ी है। और सुनो, हर बात पर ऐसे क्या अपना हुक्म चला रही हो तुम? हाँ, देगी हुक्म, ये हुक्म चलाएगी, क्योंकि ये इस घर की बहू है, संगीत की पत्नी है। मेरे बाद इस परिवार की, इस गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी इसी की होगी, तुम्हारी नहीं।
माँ क्या बात हुई अभी? क्या बताऊँ बेटा, तुम तो जानती हो ना तुम्हारे ससुर नाश्ते में खट्टा दही लेते हैं। ये कह रही है इसे भी सुबह सुबह खट्टा दही खाने की आदत है तो खाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल रात ही अगर मुझे बता देती तो मैं थोड़ा और ज्यादा दही जमा देती, है ना? ओहो, इसमें क्या बात हो गई? अगर इसने दही खा लिया तो क्या हो गया? तुम एक काम करो, मुझे जल्दी से एक कप गर्म कॉफी पिला दो। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत मजा आया। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ? गीत का फोन आया था, गीत के ससुराल में सब ने मुझे बधाइयाँ दी, मुझे आशीर्वाद मिला, वो लोग बहुत खुश हैं। और वो लोग वहाँ पार्टी कर रहे हैं, यहाँ भी आएंगे वो लोग। क्या कह रही हो? अरे तब तो मुझे तुरंत बाजार जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, बताओ क्या क्या लाना है, मैं सब लेकर आता हूँ। लो शुरू हो गए, देखा, बस बहाना चाहिए इन्हें। अब बाजार जाएंगे, ढेर सारी मछलियाँ खरीदेंगे, ढेर सारा मीट खरीदेंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदेंगे। उफ़, ये सब तो लाना ही होगा, समझी आ रहे हैं तो उनके लिए लाना पड़ेगा। हाँ ये सब तो लाना ही होगा, सब लाकर हमारे सर पर रख देंगे और हम औरतें खाना पकाती रहेंगी। मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। शाम को मेरी पार्टी है और मैं वहाँ जाकर रहूंगी। इस घर की बहू बेटियां रात को किसी भी पार्टी में नहीं जाती। क्यों? आप कोई राजा महाराजा हैं क्या? हाँ, जो मुझे हुक्म दे रहे हैं। आर्या, इनका ये मतलब नहीं था, ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताओ ना। मैं किसके साथ वक्त बिताती हूँ और किसके साथ नहीं बिताती हूँ, इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगी, यही अच्छा होगा। बहुत जबान चलती है तुम्हारी आर्या, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना और शादी के बाद कहती कि पार्टी में जाना है, मुझे थप्पड़ पड़ जाता। थप्पड़ तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम एक ढोली की बेटी हो और मैं प्रताप चौधरी की बेटी। डोंट फॉरगेट दैट। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हूँ, ये लोग मुझ पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शादी बराबर के लोगों से होती है। तुम जैसी ढोली की बेटी से नहीं। ओ बाय द वे, आप लोगों की जितनी मर्जी हो उतना खाना खाइए, जश्न मनाइए और मजे कीजिए, लेकिन मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी है। माँ, ओ माँ, माँ मैं तैयार हो गया हूँ, निकलता हूँ। निकलता हूँ मतलब कहाँ जा रहे हो? माँ ये मेरे पिता स्वयं श्री केदार राय जी के आदेशानुसार आज से क्या बल्कि अभी से मैं रेगुलर ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस जाओगे? हाँ। देखो अब इसको, तुम ऑफिस जाओगे, बीवी को छोड़कर जाओगे? हाँ, सारे दिन तो इसी के पल्लू में बंधे रहते हो। अब क्या ही कर सकता हूँ बताइए, पापा पर जो गया हूँ। क्या पापा क्या? पर गया हूँ मतलब पापा पर गया हूँ मतलब तुम्हारे पापा के घर पर पड़े रहते हैं? बता, घर पर पड़े रहते हैं? माँ वैसे मुझे भी लगता है कि आपके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं कहा। नहीं मतलब मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ तब से देखा है कि पापा तो बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलते, लगता है घर पर कोई चुंबक है और पापा कोई लोहा। क्या कहा? हाँ? क्या कहा, क्या कहा तुमने? मैं लोहा हूँ, तुमने मुझे लोहा कैसे कहा? इस घर में चुंबक है और मैं लोहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, गलती हो गई मुझसे। अच्छा ठीक है, बस 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 कीजिए। जमुना एक सीरियस बात कहनी है, आर्या जो भी कहे पर उसे ना पार्टी में जाने मत देना, क्योंकि अभी अभी शादी हुई और अभी ही रात को पार्टी करना, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लगेगा। ओ माँ आप चिंता मत कीजिए। अरे बाबा मैं हूँ ना,
मैं उस आर्या को ना बिल्कुल सुधार कर रख दूंगी। हाँ हाँ, जब केदार राय को ही सुधार दिया है तो वो किस खेत की मूली है। माँ, जरा सी दही के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई की, आप सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने क्या क्या कहा मुझसे। माँ, आप तो अच्छे से जानती है ना कि मैं सुबह ड्राई फ्रूट्स, दही और कुछ सीड्स खाती हूँ। बस पता है, इतनी सी बात के लिए उन्होंने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। राय परिवार के लोग इतने मतलबी हो सकते, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, राय परिवार की मालकिन अनुराधा राय इतनी मतलबी हो सकती है, आई जस्ट कांट बिलीव इट। माँ, आई जस्ट कांट बिलीव इट। मैंने बस उनके पति के लिए रखा दही बिना पूछे खा लिया। बाप रे बाप, मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ माँ कि सिर्फ मेरे दही खाने पर इन लोगों ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। I'm sure, माँ की आंटी पहले ऐसी नहीं थी। उस जमुना के साथ रहकर वो ऐसी हो गई है, so mean। अब तो लगता है कि इस घर में अपना खाना अलग से बनाकर खाना पड़ेगा। वाह, अच्छा है। ससुराल की बुराई कर रही हूँ मायके वालों से। मैं भला बुरा जो भी कहूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? हाँ, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? जासूसी नहीं कर रही मैं, यहाँ जासूसी करने नहीं आई आर्या। तुम नाश्ते में क्या लोगी ये पूछने आई थी, पर आकर जो देखा यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, अभी से शुरू कर दिया तुमने ससुराल की बुराई करना, ताई सास की चुगलियां करना। और किसको मतलब ही कह रही थी तुम? हाँ, तुम क्या हो आर्या, तुम क्या हो बताओ? तुम कैसी पढ़ी लिखी इंसान हो? माँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? फोन मत काटना आर्या, तुम्हारी माँ को सुनने दो कि उनकी बेटी यहाँ क्या कर रही है। आंटी ध्यान से सुनिएगा अपनी बेटी की करतूतें। और आंटी, आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो बेटी को बढ़ावा मत दीजिए। इसी वजह से अच्छे अच्छे परिवारों में कलेश होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह लड़कियां ससुराल में कलेश करती हैं, आग लगाती हैं। जमुना, देखो तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, समझ गई? मेरे बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं ससुराल में आग लगाती हूँ? और नहीं तो क्या आर्या, ये क्या बोल रही हो, ये सब क्या बोल रही हो तुम? माँ ने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा था, इस घर में किसी के खाने पर रोक टोक नहीं है, जिसे जो मर्जी है वो खा सकता है। तुम भी खा सकती हो, माँ ने सिर्फ इतना कहा कि अगर एक रात पहले बता देती तो अच्छा रहता, बस इतना ही। इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया, इतनी परेशानी हो गई। माँ तुमसे बड़ी है, इतना कहने का तो हक है उन्हें। आर्या, तुम इस घर में नई बहू बनकर आई हो, तुम्हें इस घर के कायदे कानून नहीं पता है, कौन क्या खाता है, किस वक्त खाता है, पहले वो सब जानो। इस घर में मेहमान बनकर मत रहो, इस घर में कामकाज करना सीखो। तुम्हारे रहते हुए मैं काम क्यों करूंगी? हाँ, तुम नहीं आर्या, मुझसे तुम कहकर बात मत करो, या आप कहो, या कहो जमुना भाभी या जमुना दीदी। इम्पॉसिबल, एक ढोली की बेटी के लिए, गंगा ढोली की बेटी के लिए मेरे मुँह से कभी भी दीदी या भाभी नहीं निकलेगा। निकलेगा आर्या, जरूर निकलेगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन अपने आप ही निकलेगा। और सिर्फ बोलोगी ही नहीं, उस दिन इस जमुना के पैरों पर आकर गिरोगी। मेरी ये बात याद रखना, जैसे तुमने देखा होगा खूंटे से बंधा मेमना मिमियाता है, वो दिन आएगा और अब से मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। बहुत हो गई बातें, बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब बताओ क्या खाओगी तुम? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, इस घर का तो पानी तक मेरे गले से नहीं उतरेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि खाना नहीं खाओगी? क्यों तमाशा कर रही हो आर्या? बेकार में समय बर्बाद मत करो और बताओ क्या खाओगी। कहा ना कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो फिर अब कभी नहीं खाओगी ना? मतलब इस घर में तुम्हारा खाने पीने का झंझट खत्म हो गया, मतलब कुछ नहीं खाओगी, तुम श्योर हो ना? तुम क्या मुझे डरा रही हो जमुना? हाँ,
मैं खाना बाहर से ऑर्डर करके खा लूंगी। ये तो मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना इस घर में नहीं आएगा। हाँ, इस घर के अंदर वो खाना नहीं आएगा। इस घर में मेरी सास और मैं मिलकर बहुत मेहनत और प्यार से खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना सबको परोसते हैं। तुम इस घर की नई बहू हो, नई नई शादी करके आई हो, मैं नहीं चाहती कि तुम सबकी नजरों में और बुरी बन जाओ। तो अब बताओ तुम क्या खाओगी? कह दिया ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यमुना, जल्दी से नीचे आओ, प्रेस के लोग आए हैं। हाँ आई। हाँ माँ, सुना ना आपने, प्रेस से लोग आए हैं इस यमुना ढोली का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। यमुना, तुम बार बार जीत जाओ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी अभी तो मैंने इस घर में पैर रखा है और अपने साथ एक तूफान लेकर आई हूँ, और उस तूफान में उड़कर तुम अपने गांव पहुंच जाओगी। तुम जहां से निकलकर आई हो, अगर मैंने वहां पे तुम्हें फिर से नहीं पहुंचा दिया, तो मेरा नाम भी आर्या नहीं, और अगले साल तुम फिर से इस घर में ढोल बजाने आओगी। हाँ, इस घर में ढोल बजाओगी तुम, नहीं तो मेरा नाम भी आर्या चौधरी नहीं। आप तो ढोली समाज की बेटी हैं, आपकी तो सारी पुश्तें ढोल बजाती आई हैं, आपके पिता भी एक ढोली हैं, आप भी एक ढोली हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मतलब आपकी प्रेरणा कौन है? इंस्पिरेशन का मतलब जानती है वो। देखिए, ये स्कूल और कॉलेज नहीं गई, लेकिन घर पर इसने पढ़ाई की है। मेरी बहू जमुना होशियार है, शी इज अपराइट, हमें नाज है इस पर। ये मेरी सासू माँ। बहुत अच्छा डांस करती हैं ये, मेरी सास की तरह ही। और बहुत सारी औरतें हैं जो अपने सपनों को दिल में दबाकर चुपचाप अपना घर संभालती हैं, अपने सपने, अपना सब कुछ परिवार के लिए कुर्बान कर देती हैं, खुद का त्याग करती हैं। और इसलिए उन सब औरतों के लिए और उनके सभी बच्चों के लिए मेरी सासू माँ एक प्रेरणा जैसी हैं। मेरी सास अनुराधा राय। मेरी जिंदगी की दूसरी प्रेरणा है ये इंसान, जिन्होंने मुझे हर एक पल में चुनौतियों का सामना करना सिखाया, जीतने के लिए प्रोत्साहित किया, हर पल कहते रहे कि तुम्हें जीतना ही होगा, तुम्हें जीतना ही होगा। मैं जीत गई पापा। ये है मेरे ससुर जी, केदार राय। अरे बस बस, जीती रहो। इनके बाद मेरे पति, जिन्होंने मुझे जमुना ढोली से जमुना राय बनाया। जानते हैं, मेरे लिए ढोली होना ही गर्व की बात थी, ढोल ही मेरा घमंड था। मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, मैं गाने बजाने के अलावा ढोल के अलावा कुछ नहीं जानती थी।
लेकिन पता है मैं गांव की लड़की हूँ, मैंने सारी जिंदगी बस ये सुना है कि पति ही परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर है, इनसे नहीं मिलती तो समझ नहीं पाती कि सच में पति परमेश्वर होते हैं। संगीत राय और मेरे छोटे मालिक, मेरे पति। जानते हैं, मुझे जितना गर्व जमुना ढोली होने पर था, आज मुझे उतना ही गर्व है जमुना राय होने पर। मुझे गर्व है कि मैं संगीत राय की पत्नी हूं। और सबसे ऊपर आते हैं वो दो लोग। मेरे बाबा और मेरी माँ। अरे बस 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 बस। मेरे बाबा गंगा दास, नहीं नहीं, सबसे पहले गंगा ढोली। मेरे पहले गुरु, बाबा ने ही मेरा धागा बांधा था। और माँ के बारे में तो मैं क्या कहूँ बताइए, वो तो जन्म से ही मेरी गुरु है। दुनिया में हर इंसान की, हर बच्चे की माँ ही पहली गुरु होती है। मेरी माँ भी मेरी गुरु है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, आज मैं जो भी हूँ, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही है मेरा परिवार, मेरा परिवार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं बाहर हूँ। चाचा जी कुछ नहीं? हाँ बताओ, इस एंटरटेनर चाचा को भूल गई? ये तुमने ठीक नहीं किया। हाँ आओ इधर, सबके सामने बोलो। सुनिए, ये जो फोटो ली है, कल जब आप अखबार में छापेंगे तब देखिएगा कि जमुना के साथ मेरी फोटो भी होनी चाहिए। हाँ और हाँ, टेलीविजन की तरफ से जो भी आए हैं, कल जो भी टेलीकास्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक जगह पर जमुना के साथ मैं खड़ा हुआ दिखना चाहिए। हाँ बताए देता हूँ। और मैं हूँ, अरे नाम बताओ। कल्याण राय। हाँ कल्याण मेरे राय, चाचा जी। एग्जैक्टली सारे समय नाच गाकर मैं इसे एंटरटेन करता रहा और मुझे ही भूल गई। ये बहुत ही गलत और एक तरफा फैसला था। इसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। सजा? क्या सजा? सजा ये है कि आज इसी वक्त से केदार राय तुम्हारे ससुर नहीं है। मैं तुम्हारा ससुर हूँ और सबके सामने तुम्हें यह बात कहनी पड़ेगी। बोलो। मेरे चाचा जी ऐसे ही हैं। जमुना तो सेलिब्रिटी बन गई है। जिस चैनल पर यह शो आया था उस चैनल की तो बनी गई, क्योंकि हर जगह पर इसके इंटरव्यूज आ रहे हैं। कल तक तो हल्ला हो जाएगा। होने दो ना। होने दो। कितने दिन तक चलेगा? एक महीना? उसके बाद ये सब ठंडा पड़ जाएगा, सब कुछ। कितने आए और कितने चले गए, और ये तो बस जमुना ढोली है। जो भी हो, अब मैं जाकर पार्टी के लिए रेडी होती हूँ। अगर आप कुछ परफॉर्म करके दिखा सके तो अच्छा होगा। हम एक वीडियो लेंगे, एक ऑडियो विजुअल बनाएंगे। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू से, शायद आप लोगों को नहीं पता कि इसके हाथ में बहुत दर्द है, तो इसलिए ये अभी नहीं बजा पाएगी। हम सब जानते हैं, हम भी वहाँ थे। इन्होंने जो किया वो कुदरत का करिश्मा है। हाँ, इस तरह से पक्के इरादे होने पर इंसान सब कुछ कर सकता है। वो हर तरह की मुश्किलों को पार करते हुए बहुत कुछ कर सकता है। ठीक कहा, जमुना की जिद और पक्के इरादे ने उसे आज यहाँ तक पहुँचाया है।
पर उस दिन तो प्रतियोगिता का मंच था, आज ऐसा नहीं है ना? ठीक कहा, आज भगवान के लिए इसे बजाने को मत कहिए, इसे हाथ में तकलीफ है। सॉरी, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, मैं बजाऊंगी। जमुना ये तुम क्या कर रही हो? जमुना तुम्हारे हाथों में अभी पेन है, दर्द होगा तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं ढोल बजाऊंगी। जमुना बेटा जिद क्यों कर रही हो? हाँ, तुम्हें क्यों बजाना है? चाचा जी ढोल बजाने दीजिए ना। हाँ मैं जानती हूँ मेरे हाथों में तकलीफ होगी, दर्द होगा, फिर भी बजाने दीजिए ना। सब देखेंगे। वो सब कहते हैं ना कि एक औरत में माँ दुर्गा बसती है। चाचा जी, जब तक कि आत्मा नहीं मर जाती तब तक शरीर चलता रहेगा, और जब तक मेरा शरीर चलेगा तब तक मेरे सामने परफॉर्मेंस की बात होगी तो मैं जरूर ढोल बजाऊंगी, क्योंकि म्यूजिक तो मेरे खून में है। मैं बजाऊंगी, मैं जरूर बजाऊंगी। छोटे मालिक। यस यस, यू आर राइट। शो मस्ट गो ऑन। ठीक है जमुना, मैं ढोल लेकर आता हूं। जमुना ये लो, आराम से। ध्यान से। कांग्रेचुलेशंस जमुना भाभी। कांग्रेचुलेशंस। अब इनसे मिलिए, ये है मेरी ननद, और सिर्फ ननद ही नहीं कहूंगी, ये मेरी बहन भी है, मेरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, और ये है मेरे सखा। सखा मतलब ये है मेरे ननद के पति, मेरे नंदोई। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। और भी बहुत सारे स्पेशल सरप्राइजेस हैं, इंतजार कीजिए। तो फिर सरप्राइज नंबर वन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सरप्राइज नंबर टू, मेरी मॉम्स।
सरप्राइज नंबर 3, मतलब मेरी बुआ जी। अब सरप्राइज नंबर 4, ताउस। स्पेशल अट्रैक्शन मतलब सरप्राइज नंबर 5, बुआ दादी। एक्सक्यूज मी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग। अभी एक्चुअली हमारी एक फैमिली पार्टी है, वी विल सेलिब्रेट, सो ओके, थैंक यू। क्या हुआ, जमुना भाभी को बधाई दीजिए ना। दीजिए बुके तो दीजिए, बॉक्स दीजिए ना। जमुना, ये लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अब मानते हैं ना कि माहौल इंसान को बदल कर रख देता है। अगर कोई मर्द चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। औरतें चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। हाँ, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। भाभी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे बस करो, बस हो गया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और सुनो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। हमारे परिवार में सभी की तरफ से ये साड़ी लो, तुम्हारे लिए हमारा उपहार है। लो इसे। थैंक यू। वाह, अरे बोजी, दीजिए दीजिए दीजिए। ये लो बेटा, ये लो। इसके अंदर एक चॉकलेट केक है तुम्हारे लिए। अरे अरे अरे, बस करो, रहने दो। खूब खुश रहो और बहुत कामयाब बनो। देखो ना, मुझे जबरदस्ती ये लोग खींच कर ले आए। कहा कि यहाँ नहीं आऊंगी तो कोकिला नहीं पिलाएंगे। कोकिला? कोकिला मतलब क्या? कोकिला क्या होता है?
टकीला को कोकिला कहा है।